DP ज्वेलर्स की विरासत को किस तरह देखते हैं DP ज्वेलर्स uh, का ये 84th ईयर है सिंस इट गॉट एस्टैब्लिश्ड एंड आई थिंक व्हाट वी हैव ट्रूली अर्नड इज आवर कस्टमर्स ट्रस्ट और uh, उनका विश्वास उनका प्रेम मैं इस कंपनी का फिफ्थ जनरेशन हूं सो द कंपनी स्टार्टेड वाज स्टार्टेड इन 1994 बाय माय ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और अभी मैं इस, uh, बिजनेस में आया हूँ एंड आई थिंक जो उनकी लेसन थे प्योरिटी uh, ट्रांसपेरेंसी uh, अपने कस्टमर्स को सही प्योरिटी के साथ सही प्राइस पे गोल्ड देना है और इनफैक्ट सारी ज्वेलरीज देना है उसी को हम माइंड में रख के और वैसे ही हम अभी भी बिजनेस को ऑपरेट करने में भी रखते हैं लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि समय के साथ ट्रेंड्स बदलते हैं फैशन बदलते हैं हाउ डू यू इट सो आई थिंक वी हैव अ डेडिकेटेड टीम जो भी नया ट्रेंड है जो भी नई डिज़ाइंस है वो हम उसी को अकॉर्डिंग अपना आ, हमारी इन्वेंट्री चेंज करते हैं रेगुलर mm -hmm. बेसिस पर और जो अभी ट्रेंड में आ, दिख रहा है आपको एंड जो हमारे एंटीक ज्वेलरीज भी हैं सो so, uh, ज्वेलरीज फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन हम सभी लोगों को कैटर करने का कोशिश करते हैं सो यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ वैराइटीज एट आवर सोर्स लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आप ये जो यंगर ऑडियंस है एक यंगर uh, uh, जेनजी जिसको हम बोलते हैं आप उनको कैसे टारगेट करते हैं सो सो यंगर जनरेशन आई थिंक दे

कि जो हमारे कस्टमर्स की डिमांड्स हैं जो हमारे नए कस्टमर्स हैं जी ऑडियंस जो हैं hmm. हम उनके लिए भी जो उन्हें रिक्वायरमेंट है जो उनकी पसंद है हम वो भी कैटर के, करें एंड हमारा फोकस अभी उस पर भी बहुत है कि हम नए कम वज़न में लाइट वेट कम्फर्टेबल जूलरीज दैट दे कैन वेयर एवरीडे उस पर उन्हें प्रोवाइड करें हम लोग इंडिया में रहते हैं और इसमें काफी हमने देखा कि इस मार्केट में काफी घपले भी होते हैं Correct. और इन चीजों को लेकर हम लोग काफी चिंतित रहते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता कि हम इनको इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं और यू एज ए ज्वेलर आप इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं um, तो अभी गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वे HUID is a six digit uh, number okay. that you can scan and you'll get to know the whole about, history about the jewelry oh. uh, kahan se bani hai, kisne bani hai. so if uh, it's hallmark then of course it's authentic correct Vajai is ke, so now it is compulsory but pehle compulsory nahi bhi tha, tab bhi we used to uh, only sell hallmark jewelries i'm talking about long back like 20 years back 30 years back mm. uh, my grandfather

तो उसके लिए हमारी क्वालिटी चेक हमारा क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट जो है इट्स अमेजिंग hmm. सारी एक एक पीस इवन इफ यू हैव अ डाउट कि ये ज्वेलरी में कुछ इशू हो सकता है विल जस्ट ब्रेक द ज्वेलरी एंड द कॉस्ट इज ऑन हम हमने बहुत बार कभी ये किया भी है हमें थोड़ा सा डाउट आया विल ब्रेक द ज्वेलरी अपार्ट देन विल कैलकुलेट स्टोन का वेट कितना है गोल्ड का वेट कितना है डायमंड्स का वेट कितना है लॉट ऑफ लाइक पीपल दे गैट स्कैम्ड इन सच थिंग्स एंड नॉट वी वुर वस्टमर्स कि वो गलत प्राइस पे करें किसी चीज के लिए आपके लिए एज अ ज्वेलर व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट डिजाइन वजन या जो आप एक ट्रेडिशनल अप्रोच रखते हैं ज्वेलरी को लेकर आई थिंक ट्रेडिशनल अप्रोच दे से बदलाव प्रकृति का नियम <laughs> है आई थिंक इट्स गुड टू चेंज एंड गुड्स टू इवॉल्व लुकिंग एट द टाइम सो इट डज डिजाइन डज प्ले अ मेजर फैक्टर Uh, when it comes to but उसके साथ साथ, के साथ यू नीड टू मेक श्योर की आपका कस्टमर्स नहीं रहा है उस right चीज का डिजाइन बहुत अच्छा है it, it doesn't mean कि उसका गोल्ड का वेट जो है उस पर आप छेड़छाड़ करके यू पे मोर जस्ट बिकॉज डिजाइन यू शुड बी पेइंग द राइट प्राइज फॉर फॉर द डिजाइन दट यू लाइक

vo unka nam if there are some big names then of course like everyone wants to buy a cartier bracelet everyone wants to buy a bulgari serpentine mm. and everything but vo uh, trust i mean the amount that you are paying for that i don't think it's, uh, it's even like close to what you could have got for the same price yeah you know uh, to i mean are always say if you're a smart buyer, you would buy from your local jeweler <laughs>

जो सबसे अच्छी क्वालिटी मैं कहूंगा अपने बारे में है मुझे सबको साथ में लेके चलना बहुत पसंद है आई वु वर्क विदर विद्रवरी वन एंड

हौसलों की उड़ान में आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और हम आपको इस मंच पे सम्मानित करना चाहते हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए खास मेहमान के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार स्टे सेफ स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी